किचन किचन के पीछे फांसीघर, फांसीघर के पास में जगह कम है, यहाँ पे बता देंगे, फिर हम लोग कमरा फांसीघर देखने के लिए आगे चलेंगे। और फांसीघर का ऐसा है कि सेलुलर जेल के फांसीघर में किसी पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर को फांसी दिया गया, ऐसा हमारे पास में कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, क्योंकि फांसी देने के लिए किसी को अंडमान नहीं लाते थे, इंडिया में जेल थे वहीं पर फांसी देते थे। अंडमान जो क्रांतिकारी आते थे ज़्यादातर आजीवन कारावास वाले क्रांतिकारी, फिर यहाँ आने के बाद पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर्स का टॉर्चर में डेथ हुआ था, बीमारी से और फोर्स फीडिंग से। फोर्स फीडिंग तब करते थे जब फ्रीडम फाइटर्स भूख हड़ताल करते थे, भूख हड़ताल तोड़ना है तो पहले क्या करते थे, मुंह से खिलाते थे, खा नहीं रहा तो हाथ पांव बांध करके नाक से ट्यूब डाल करके पंप के द्वारा लिक्विड खिलाते थे, चावल का माड़ या मिल्क। उस वजह से जो है एक महीने के भीतर 3 फ्रीडम फाइटर्स का डेथ हुआ था, महावीर सिंह, मोहित मोहित्रा, मोहन किशोर, नामदास जी। फांसी केवल उन्हीं को दिया गया जो अंडमान आने के बाद फिर से यहाँ पे किसी ब्रिटिश ऑफिसर को मारा हो, सिपाही को मारा हो, या जेल तोड़ करके भागने की कोशिश की, उनके ऊपर फिर से केस चलेगा, फिर फैसला होगा फांसी दो तो यहाँ देते थे। कितने लोगों को फांसी दिया गया इसका भी कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। और फांसीघर अंग्रेजों के समय में खुला था, खुले में फांसी देते थे, अभी उस रूम को कवर करके रखा हुआ है, ऊपर लकड़ी का एक बीम है जिसमें 3 रस्सी लटका हुआ है, तो बीम पुराना है, नीचे का प्लेटफॉर्म भी पुराना है, रस्सी जो है बदल गया है, 3 लोगों को इकट्ठा फांसी दे सके ऐसा व्यवस्था था। अंदर लेफ्ट साइड में एक लोहे का लीवर है, लीवर खींचेगा प्लेटफॉर्म दरवाजे के जैसा पूरा का पूरा नीचे को खुलेगा, नीचे 8 फीट गहरा कमरा है, कैदी झूल जाता था, डेथ हो जाता था, बॉडी नीचे से कलेक्ट करके साइड में लोहे के गेट वहीं से बाहर ले जाते थे। और फांसी वाले दिन बाहर देखेगा व्हाइट कलर का छोटा सा चबूतरा बना नीचे, ये ओरिजिनल है, वहीं पे लाते थे सवेरे, स्नान करवाते थे, रिलीजन के हिसाब से प्रेयर भी करवाते थे, आखिरी इच्छा भी पूछा जाता था। तो अभी हम देखेंगे सर बचा के फांसी घर आएंगे। तो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कहाँ पे फांसी देते हैं, मैं बहुत स्केयर्ड हूँ एक्चुअली, बट फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अंदर नहीं आएंगे, अच्छा मतलब इसमें ऐसे लगाते हैं उसको खोलते हैं, जो मैंने फिल्मों में देखा है उसको ऐसे खोलते हैं, स्केरी। अरे एंड ये क्या, यहाँ पर नीचे ओ मैं जाऊंगी नहीं सर, बाहर देखूंगी मैं, मुझे बहुत डर लग रहा है एक्चुअली, ये जाएगा मैं बाहर रहूंगी क्योंकि एक हॉरर प्लेस भी है मुझे डर लग गया है थोड़ा सा। ये एक्चुअली जब ऊपर वहाँ पे फांस देते थे तो नीचे यहाँ जहाँ आते थे वो जगह हम दिखा रहे हैं इस समय, अभी दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा रश है एंड दिस इज सो डीप। वहाँ पे जाने नहीं दे रहे फिलहाल, तो कुछ लोग ज़बरदस्ती चले गए बट अभी नहीं जाने दे रहे। एंड ये वो जगह है एक्चुअली जहाँ फांसी दी जाती थी। हाँ दिस इज़ द एंट्रेंस जहाँ से मैं आपको लेकर गई थी। सो दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे फांसी देने से पहले स्नान करवाते थे, प्रेयर्स करवाते थे, यहीं पर करवाते थे। ओह माय गॉड। और ये क्या है, ये कारखाना, यहाँ पे क्रांतिकारी नारियल तेल, सरसों का तेल निकालते, क्या करते थे, कारखाना, कार्यस्थल भी बोलते हैं। अच्छा सो भैया अंकल से भैया ज़्यादा बेटर बता पाएंगे, उनको पता है, वही बता रहे हैं एक्चुअली, मुझे पता नहीं है। तो ये कारखाना है और ये बहुत ज़्यादा देख के बहुत प्यारा बना है एक्चुअली, लेकिन मुझे डर लग रहा है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि स्वतंत्रता सेनानियों के जैसे बने हुए हैं स्टैचूज। दिस इज निकालने के लिए ना, तेल निकालने, तेल निकालने के लिए ये, ओह माय गॉड। एंड ये देख रहे हो आप, ये स्टैचू जो बने हुए ना ऑयल में निकालने, मुझे बहुत मैं डर लग रहा। एंड ऐसे मारते थे, ऐसे करते थे, सॉरी ऐसे वो मुझे देख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, देख रहे हो आप उसकी आंखें मेरी तरफ हैं, लुक एट दिस, ओह माय गॉड, दिस इज व्हाट इट हैपेंड। और विंग से सेंट्रल टावर जाने का जो कनेक्शन है, पहले प्लेटफॉर्म कनेक्टेड नहीं था, अंग्रेज आते थे सिक्योरिटी गार्ड आते थे वुडन का प्लैंक डालते थे और आने जाने के बाद प्लैंक रिमूव करते ताकि क्रांतिकारी कभी भी टावर पे ना जा पाए, अभी तो परमानेंटली बना दिया है। और कपूर, त्रिलोक नाथ चक्रवर्ती, वरेंद्र कुमार घोष, लोकनाथ बाल, हरे कृष्ण कोनार, बाबा बान सिंह जी और पंडित राम रखा बाली जी,
तो यहाँ पे आपको उसके बाद में फिर आप लोग 15 स्टेप चढ़ेंगे, लकड़ी का सीढ़ी है। जब छत पे जाएंगे फोटोग्राफी के लिए, जिनके पास बच्चे हैं, बच्चे तो किसी का दिख नहीं, तो बड़े लोग की साइड में, कोई भी साइड में नहीं जाने का, मतलब वो डेंजर प्लेस है, उसमें बैठ करके फोटोग्राफी वगैरह ना करें, बीच में रहेगा, फोटोग्राफी करें, धीरे धीरे फिर वापस आएगा। ऊपर से आपको नज़ारा क्या दिखेगा, सामने छोटा सा आइलैंड नजर आएगा, वहाँ पे रेड कलर का बिल्डिंग दिखेगा, वह सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, पहले उसी का नाम था रॉस आइलैंड, अंग्रेजों का राजधानी था। और लेफ्ट साइड में आपको यहाँ से जॉइंट आइलैंड है, जगह का नाम नॉर्थ बे, वहाँ पे एक रेड एंड व्हाइट कलर का लाइट हाउस है, वहाँ लोग जाते हैं पानी के नीचे मरीन लाइफ देखने के लिए, स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग सब वहाँ पे है। और 20 रुपये का जो पुराना नोट है लाल कलर का, उसके पीछे वही फोटो छपा हुआ है, वो फोटोग्राफी वगैरह करके धीरे धीरे आप लोग वापस लौटेंगे। तो यहाँ पे सल्लू जेल का बड़ा फ्रीडम फाइटर विनायक दामोदर सावरकर जी, उनके बारे में सुनेगा, उनको रखा गया था इसी फ्लोर के लास्ट में। नॉर्मल कोटरी और उनके कोटरी में फर्क है दरवाजे का, नॉर्मल कोटरी में एक डोर है, लास्ट वाले में दो डोर, यानी कि डबल सिक्योरिटी। उसमें ऐसे क्रांतिकारी को रखते थे जो खतरनाक होता था अंग्रेजों के नजर, खतरनाक का मतलब भाग नजर, किसी भी तरीके से भाग नजर। तो वीर सावरकर जी को वहाँ पे रखा गया 10 साल, 1911 से 1921। सावरकर जी को श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में उच्च शिक्षा के लिए भेजा गया था, बैरिस्टर का पढ़ाई के लिए। उस दौरान उनका वहाँ पर मुलाकात हुआ था मदनलाल ढींगरा जी, जिन्होंने 1 जुलाई 1909 करजन वैली का हत्या किया था, उनका साथ देने का इल्ज़ाम भी लगा। फिर वहाँ पढ़ने के साथ साथ इंडिया हाउस में काम करने वाले कुक के माध्यम से बम बनाने का मैनुअल, हथियार वगैरह इंडिया भेजा गया, इस वजह से उनको अरेस्ट किया। अरेस्ट हुआ था 13 मार्च 1910, और उन्हें शिप से इंडिया लेकर के आ रहा था, शिप का नाम था मौर्या शिप। मौर्या शिप जब मार्सेलस हार्बर के निकट से गुजर रहा था, उस दौरान सावरकर जी ने जहाज का टॉयलेट का साइड का ग्लास तोड़ करके जंप किया बाहर और तैर करके चले गए मार्सेलस हार्बर फ्रांस। वहाँ पे फ्रांसीसी गार्ड्स ने पकड़ लिया, अंग्रेजों को हैंडओवर कर दिया। अंग्रेज अंडमान लेकर के आए थे सावरकर जी को 13 जून 1911। जब लाए थे तो डरते थे, एक बार वो वहाँ से भाग गया है, दोबारा यहाँ से न भागे, इसलिए इतने कड़े पहरे में रखा, क्योंकि जो बड़े भाई थे गणेश दामोदर सावरकर जी, वो सल्लू जेल में उनसे भी पहले से थे। लेकिन दोनों भाई 2 साल तक आपस में मिल नहीं पाए, एक ही जेल में रहते हुए। फिर 1921 वीर सावरकर जी को सल्लू जेल से ट्रांसफ़र करवा दिया रत्नागिरी महाराष्ट्र, 3 साल वहाँ पर नज़रबंद रहे। फिर आज़ादी के 19 ईयर्स के बाद उनका डेथ हुआ था 26 फरवरी 1966, तब उनका एज 83। आज अंडमान के एयरपोर्ट उन्हीं के नाम पर वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कि सल्लू जेल को अंग्रेज़ों ने टोटली बंद भी कर दिया जनवरी 1938, सितंबर 1937 से जनवरी 1938 सारे पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर्स को ब्रिटिशर्स ने इंडिया वापस भेज दिया। और 80 साल के बाद अंडमान में काला पानी का सजा भी बंद हो गया। 1858 में शुरू हुआ था वाइपर आइलैंड से, 1938 में जेल में आकर के खत्म हो गया। उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया 1939, और अंडमान में जापानी ने कब्जा कर लिया 23 मार्च 1942। जापानी अंडमान में 3.5 साल रहे थे, और उस दौरान उन लोगों ने काफ़ी अत्याचार भी किए थे इंडियंस के ऊपर जो यहाँ पे बसे हुए थे। उनमें से कुछ पढ़े लिखे लोग थे, कुछ INA के मेंबर थे, और कुछ लोग जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के मेंबर भी थे। जापानीज क्या समझते थे, इनमें से कुछ लोग जो है अंग्रेजों के साथ मिले हुए हैं या उनके लिए जासूसी कर रहे हैं, तो जिनके ऊपर भी ब्रिटिशर्स के प्रति सहानुभूति का शक हुआ, जासूसी का शक हुआ, जेल में ला के बंद किया, बुरी तरह से टॉर्चर किया, और बहुत लोगों को गोलियों से भून भी दिया। उसी दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी भी अंडमान आए थे। नेताजी जो है इंडियन नेशनल आर्मी के सुप्रीम कमांडर थे। उनका अंडमान 3 दिन का विजिट था, दिसंबर 29, 30, 31, 1943। सुभाष जी ने सल्लू जेल का विजिट भी किया था, और पहला तिरंगा झंडा उन्होंने अंडमान में फहराया था। सामने है जिमखाना ग्राउंड, पास में अंडमान क्लब है, वहाँ पे एक झंडा फहराया, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 2 नाम दे दिया। अंडमान का नाम रखा शहीद द्वीप, और निकोबार का स्वराज द्वीप। आज यही दोनों नाम प्रधानमंत्री जी ने आकर के नील और हैवलॉक का रख दिया। नील का नाम कर दिया शहीद, हैवलॉक हो गया स्वराज, रॉस आइलैंड का नाम सुभाष चंद्र बोस ने रख दिया। और 1 जनवरी 1944 सुभाष जी अंडमान से वापस चले गए। फिर सेकंड वर्ल्ड वार का एंड 1945, अंग्रेजों का जो रॉयल एयरफोर्स है उन लोगों ने अंडमान में जापानियों के ऊपर बहुत सारे बमबारी किए थे, जिसके बाद जापानी के सरेंडर हो गए। फिर 1.5 साल अंग्रेज रहे, इंडिपेंडेंस हो गया, इंडिया को देकर के अंग्रेज ही वापस चले गए। अंडमान में इंडियन ज़्यादा थे, इसके लिए अंडमान इंडियन कैसे ज़्यादा हुए, अंडमान में कैदियों को भेजना शुरू किया था ब्रिटिशर्स ने 10th मार्च 1858। उस समय जो भी कैदी अंडमान आते थे, पॉलिटिकल हो, नॉर्मल फिर सजा तक कैदी, जो भी अंडमान आते थे, सजा कंप्लीट हो या सजा में छूट भी मिले, उसके बाद उनको इंडिया वापस नहीं भेजते थे, उनको अंडमान नहीं बसाते थे, ज़मीन देते थे, खेती बाड़ी करो और यही करो। तो अंडमान के जो लोकल्स है उनका ही जनरेशन है। तो अभी चलेंगे सेकंड फोर सेल देखने के, उसके बाद आप लोग ऊपर चलेंगे, सभी लोग ऊपर चले। सेकंड लुक एट दिस, ये सबसे ऊपर है हम, सनसेट हो रहा है, मैं आपको दिखा रही हूँ, इतना प्यारा लग रहा है एंड बहुत ही सुंदर दिख रहा है, कितनी अच्छी लाइट आ रही है सनसेट। थक गई, आज वर्कआउट हो गया यहीं पर सेल्युलर जेल में। This is so beautiful.
आई लव ओशंस. ओके दिस इज ब्यूटीफुल लुकिंग द स्काई एंड दिस व्यू. जितना प्यारी ये जगह लग रही है, ये वीडियो इतना सुंदर दिख नहीं रहा है, जस्टिफाई बिल्कुल नहीं कर पा रहा है ये कैमरा. बहुत ही प्यारा लग रहा है. सो दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द सेलुलर जेल. सेकेंड पार्ट था ये वाला. एंड मैंने ऑलमोस्ट हर चीज़ कवर करने की पूरी कोशिश की है ताकि मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ अबाउट आर हिस्टोरिकल प्लेस ऑफ इंडिया, हिस्टोरिकल जेल ऑफ इंडिया. काला पानी क्यों बोलते हैं उसे, और वहाँ पे क्या क्या होता था, क्या क्या नहीं होता था, प्रिजन्स को कैसे ट्रीट करते थे, हमारे फ्रीडम फाइटर को कैसे ट्रीट किया गया था, क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, जापानीज़ ने क्या किया था, कैसी ड्रेसेस होती थी, क्या करते थे वहाँ पे, क्या नहीं करते थे. मैंने हर तरह से ट्राई किया है कि मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ, पूरी तरह से आपको बता पाऊँ कि क्या था क्या नहीं था. एंड आई वॉन्ट एवरी इंडियन शुड नो अबाउट दिस, अबाउट नो अबाउट आर फ्रीडम फाइटर्स, वॉट दे हैव गॉन थ्रू, उन्होंने क्या क्या सफ़र किया, क्या क्या देखा. आज हम आराम से बैठे हैं, घूम रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, फिर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ देम. आज हम जो भी हैं उनकी वजह से हैं, अदरवाइज़ शायद हमारी ऐसी लाइफ नहीं होती, शायद हमें भी वही कुछ उसी सब चीज़ों से गुजरना पड़ता. सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ देम एंड इट्स माई बिग 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 सल्यूट टू देम. Jai Hind, and I'm proud to be Indian always. So I hope you enjoyed this video, and if you like the video, don't forget to like, share and subscribe to my channel.